चाय शाय पी ली है। पूरा नाश्ता कर ले। अच्छा जी, अभी हमने ये चीज डिस्कस की। इसके अलावा आप अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक होगा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल सिंपल है, जितना मैंने ये आपको डिटेल में बता दिया है, या प्लेट टेक्टोनिक्स, जिस तरह से आपने किसी भी एक रॉक से शुरू करें तो एंड उसी रॉक पे आके हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इग्नियस रॉक से स्टार्ट करेंगे, इग्नियस रॉक्स क्या है, वोल्केनिज्म की सूरत में बनती है। जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो इग्नियस रॉक्स बनती है, फिर वही इग्नियस रॉक्स टूट फूट का शिकार होती है, उनकी वेदरिंग होती है पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, यानी पानी के थ्रू, फिर वो अल्टीमेटली मैरीन लाइफ यानी ओशंस तक पहुंचती है, मैरीन इन्वायरमेंट में जाती है। वहां पर जाकर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिपॉजिट होना शुरू होती है, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते होते, ठीक है जी। वो क्या कन्वर्ट किस में हो रही होती हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स जब बन जाती हैं, ठीक है, तो फिर उनके नीचे दब जाने वाले जो रॉक्स होती हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। वही मेटामॉर्फिक रॉक्स, वही जो ओशियनिक फ्लोरा फिर कहीं कंज्यूम होता है, फिर वो मांटल में जाता है और फिर वो लावा की सूरत में बाहर आता है और फिर इग्नियस रॉक्स बन रही होती है। ये साइकिल है जो रॉक्स के अंदर चलता है। Is it okay? अच्छा, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स जब आपने डिटेल में पढ़ ली है और बाकी चीजें अर्थ से रिलेटेड काफी पढ़ ली है, तो अगला टॉपिक है डिजास्टर्स का, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसमें वोल्केनिज्म आता है, जिसमें सुनामीज आती हैं, फ्लड्स, ड्रॉट्स, एवलांचेस, ठीक है जी, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोस, पीपल्स पार्टी एंड एमक्यूएम, हाँ जी ठीक, सारे ही आते हैं, पीटीआई भी आती है, नून लीग भी आती है। अच्छा, ये जरा बताएं कि ये क्या होता है, हैजर्ड किसको कहते हैं, हैजर्ड से मुराद है डेंजर, डेंजरस टू हेल्थ। अच्छा, और थ्रेट, खतरा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो एनी एक्ट, एनी सिचुएशन, एनी थिंग विच हैज पोटेंशियल टू हार्म, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और इसके अंदर ये पहुंचाया या नहीं पहुंचाया ये अलग बात, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उसको आप हैजर्ड बोलते हैं, ठीक हो गया। तो फिर डिजास्टर क्या होता है, मसलन हैजर्ड की एग्जांपल्स हो सकती हैं स्नेक, स्लिपरी फ्लोर, ओवर स्पीडिंग, ठीक है, फ्लड, अर्थक्वेक, हैजर्ड। तो डिजास्टर क्या है, हैजर्ड इज द पोटेंशियल ऑफ हार्म। मैं वही पूछ रहा हूं कि कैटास्ट्रॉफ किसको कहते हैं, मुस्तफा, डिजास्टर इज द रियलिटी ऑफ इट अकरिंग। ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, नेचुरल कैलेमिटी, तो हैजर्ड नेचुरल कैलेमिटी नहीं हो सकता, डिजास्टर इज विच हैज अकर्ड कॉजिंग मास डैमेज, करीब करीब सीवियर वाला हैजर्ड, आफ्टरमैथ ऑफ द ऑफ व्हाट सारा, which has long lasting effects, जी हाँ,
अच्छा, तो हैजर्ड की सूरत में अगर किसी की टांग टूट जाए, कट जाए, डिसेबल हो जाए, सारी जिंदगी के लिए हो गया, लॉन्ग लास्टिंग। कॉज डिस्ट्रक्शन, जिना, डिजास्टर इज इफेक्ट ऑफ अ हैजर्ड। नहीं कजलबाज, सॉरी बच्चे, इधर नहीं काम बना। ठीक है, कुछ लोगों ने ठीक किया। हैजर्ड कोई भी ऐसी चीज जो आपको हार्म कर सकती है, जिसमें इतना पोटेंशियल। सांप एक हैजर्ड है, ओवर स्पीडिंग एक हैजर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एक हैजर्ड है, शॉक लग सकता है, शॉर्ट सर्किट होना एक हैजर्ड है, बहुत सारा डैमेज। डिजास्टर हैजर्ड ही है, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा हो जाता है जब कोई ऐसा डिजास्टर हैजर्ड जिसके आउटकम्स इस लेवल पे हों कि उससे सोसाइटी खुद से ना निमट सके। ठीक है जी, गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटीज को, एनजीओ को, बाकी ओवरऑल बाकी लोगों को रोल प्ले करना पड़े, इफेक्टेड लोगों को रिकवर करवाने के लिए, उनको वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए। मास स्केल पे जो डैमेज होता है, मसलन डेंगी, हैजर्ड तो था ही लेकिन एक डिजास्टर बन गया। कोविड, कोरोना वायरस इस वक्त जो स्प्रेड हुआ, हैजर्ड तो था ही लेकिन अब डिजास्टर बन चुका है। सिर्फ पब्लिक खुद से फंडिंग होगी, बहुत सारा पैसा आएगा, यानी मास स्केल पे जो हैजर्ड का स्केल जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब खुद से वो सोसाइटी, वो फर्क, वो लोग उससे रिकवर ना कर पाए और वो सिचुएशन वापस नॉर्मल ना हो सके, उसको आप क्या कहते हैं? कि वो डिजास्टर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई नहीं सर, गलत हो सकते हैं। हाँ ठीक है, इफेक्ट होल सोसाइटी एंड कम्युनिटी। जी बिल्कुल, अब ठीक है, ओके हो गया। अच्छा तो फिर ये रिस्क क्या होता है? What is risk? A potential harm in between hazard and disaster. शाबाश, chance, करीब करीब। Probability of occurring 50%, variability of something, probability of hazard, ना जी ना, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, पॉसिबिलिटी या प्रॉबिबिलिटी, अनसर्टेनिटी। ठीक है, 50% आंसर्स ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, हाँ ये ज्यादा करीब है। महक, वल्नरेबिलिटी, ये भी ठीक है, प्रॉबिबिलिटी ऑफ समथिंग आंसर। अच्छा अब इसको यूं समझें, रिस्क से मुराद है कि किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, लाइकलीहुड, और उसकी सेवेरिटी कितनी होगी। मसलन लाइकलीहुड है कि इम्पॉसिबल एक्सीडेंट नहीं होगा, तो कोई इंजरी भी नहीं होगी। उसके बाद है, ये पहला लेवल है इसका, ये भी इसका पहला लेवल है। दूसरा लेवल क्या है? पॉसिबल, हो सकता है माइनर इंजरी हो। तीसरा लेवल क्या हो सकता है? प्रोबेबल, काफी चांसेस है। मेजर इंजरी या हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है बंदा। चौथा सर्टन, होने के चांसेस कितने हैं और उसकी सेवेरिटी कितनी होगी, उससे नुकसान कितना होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी हो सकती है। पांचवा अनअवॉइडेबल,
आना ही आना है। इधर हो सकता है कि डेथ्स के लेवल तक बात जा चुकी हो। नाउ अगर आप अनअवॉइडेबल पे खड़े हैं, आपको पता फ्लड आना ही आना, तो उस फ्लड से हो सकता है कि आप जो डैमेज आपका सेवेरिटी वो भी 5 पे खड़ी हो, तो आप 25 पे हैं इस वक्त। 5 × 5 = 25। आपने रिस्क की ब्रैकेट्स बनाई हुई है, 1 से लेके 10 तक लो रिस्क है। अच्छा जी, और 10 से लेके 20 तक मीडियम है, 20 से लेके 30 तक हाई रिस्क है। आप इस वक्त हाई रिस्क ब्रैकेट में। सो रिस्क इज व्हाट? बेसिकली रिस्क इज द कंप्यूटेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड सेवेरिटी। ठीक है जी। और ये मैंने वैसे एग्जाम्पल आपको लिखवाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये को कोट नहीं करनी है। रिस्क असेसमेंट चार्ट है ये, डिफरेंट डिजास्टर्स, डिफरेंट हैजर्ड्स के अगेंस्ट डिफरेंट पैरामीटर्स के रिस्क असेसमेंट चार्ट्स बनते हैं। और आप किसी चीज के होने से पहले, फ्लड के लिए और होगा, हीट वेव के लिए और होगा, ड्रॉट के लिए और होगा, साइक्लोन के लिए और होगा, रिस्क को आप असेस करते हैं। रिस्क है क्या? कि कोई चीज, किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, और उसकी अगर होगी तो उसकी क्या क्या सेवेरिटीज हो सकती हैं। इन चीजों की असेसमेंट को हम रिस्क बोलते हैं। इट्स द कंप्यूटेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड सेवेरिटी। अच्छा, यानी आउटकम है बेसिकली, आउटकम यानी इंपैक्ट है। यहां पे किसी ने लिखा किसका, हैजर्ड का या डिजास्टर का? हैजर्ड छोटे लेवल पे है, डिजास्टर बड़े लेवल पे है। कि अगर कोई हैजर्ड या डिजास्टर होता है तो उसका इंपैक्ट किस लेवल तक हो सकता है, उस इंपैक्ट को मेजर करना ये रिस्क असेसमेंट कहलाता है। और वो इंपैक्ट एक्चुअली जो है वो रिस्क है। अच्छा, सो रिस्क असेसमेंट अगर आपने प्रॉपर की हुई है फ्लड की पहले से, तो आपको पता होगा कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, कितना पानी आ रहा है, कितना एरिया इफेक्ट होगा, ठीक, कितने लोग उसमें मर सकते हैं। अब इसकी ब्रैकेट के पीछे, यानी कि इस रिस्क असेसमेंट चार्ट के पीछे पूरा एक नॉलेज है पूरे पैरामीटर से। आप प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर लें, आपकी प्रॉपर तैयारी होगी, तो आप जो आपका डैमेज है, ठीक है जी, जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए तमाम मेजर्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। कितनी बोर्ड्स चाहिए, कितने हॉस्पिटल में बेड्स चाहिए, कितनी मेडिसिन चाहिए, कितनी खुराक चाहिए, कितने टेंट्स चाहिए, कितने मॉस्किटो नेट्स चाहिए, कितनी एंटी वेनम किट्स चाहिए, ठीक है जी, कितने लोग फंसेंगे, कितनी फसलें तबाह हो, कितने जानवर जो है वो भूखे मर सकते, उन तमाम चीजों को कवर करने के लिए आप तैयारी करते हैं। ठीक हो गया। यानी कि डिजास्टर्स से निमटने के लिए ये जरूरी है कि आपकी प्रॉपर रिस्क असेसमेंट हुई हो। ठीक हो गया। आपने प्रॉपर रिस्क असेसमेंट अगर की हुई होगी तो आप उसके जो डैमेजेस हैं उनसे बचने के लिए प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, सो रिस्क असेसमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात कि अगर किसी जगह पे डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल क्या होता है, इसको डिस्कस करें। अगर किसी जगह पे कोई डिजास्टर होता है, ठीक है जी, अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, कोई भी डिजास्टर हुआ है, उसके बाद इमीडिएटली आपका अगला स्टेप क्या होता है? हमने तो वही पढ़ने हैं जो हमारे कोर्स में है, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, फ्लड, वाइल्ड फायर। ये सारी वाइल्ड फायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने, मतलब अमेरिका में फिर अभी लाखों एकड़ के ऊपर इस वक्त वाइल्ड फायर चल रही।
ऑस्ट्रेलिया तकरीबन हाफ बिलियन के करीब जानवर जो है वो मरे हैं वहां पे, 50 करोड़ के करीब। तो ये छोटा इशू नहीं है। पिछले इस साल में मैसिव स्केल पे बुश फायर और वाइल्ड फायर देखने में आई। ठीक है जी। अच्छा, जब भी कोई डिजास्टर होगा तो उसके बाद अगला स्टेप होता है इमीडिएटली एमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है उसकी सूरत में क्या होगा? इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आप जो पेशेंट्स हैं, जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। इमीडिएटली जो फर्स्ट एड देनी है वो देंगे। ठीक है जी। कोई डूब रहा है उसको बचाएंगे। जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो भी डिजास्टर है उसके अगेंस्ट हो सकता है वो करेंगे। उसके बाद अब आप इस चीज को रोकेंगे नहीं। ये नहीं कि डूबते हुए कोई एक दफा बचा लिया तो बाहर छोड़ के तो चले गए। हो सकता है वो सिवियरली इफेक्ट हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। ठीक है जी। यानी 1-2 दिन तक, पहला दिन इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, उसके बाद आपकी मिटिगेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। यानी लॉसेस को कम करने के लिए आप एक्शंस लेते हैं, खुराक देते हैं लोगों को, दवाइयां देते हैं लोगों को, हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करते हैं लोगों को, शेल्टर देते हैं उनको, ताकि ये लोग इससे बच गए अगर डिजास्टर से तो आप बाकी चीजों की वजह से, वो साफ पानी नहीं है तो बीमार होकर ना मरना शुरू कर दें, कोई किसी किस्म की बीमारियां वहां पे ना फूट पड़े, साफ पानी दें, सोने के लिए जगह, बाकी चीज। मिटिगेशन स्टार्ट होती है। मिटिगेशन के बाद अगला काम क्या होता है? ये कोई हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन चलेगी। मिटिगेशन के बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है दैट इज रिकवरी। रिकवरी फेज में आप लोगों को रिकवर करवाते हैं और उनको वापस उस पोजीशन में लेके आते हैं जिसमें वो पहले थे। ठीक हो गया। अगर कोई मर चुका है तो उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन टूटे हुए घर बनाए जा सकते हैं, टूटी हुई सड़कें तामीर की जा सकती हैं, उनके स्कूल्स दोबारा बनाए जा सकते हैं, मस्जिदें, इबादतगाहें, ठीक है जी, ये चीजें दोबारा बनाई जा सकती हैं, हॉस्पिटल्स दोबारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। फसलों के लिए सब्सिडीज दी जा सकती हैं ताकि वो वापस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सके। ठीक हो गया। रिकवरी फेज, इसमें सब्सिडीज, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ आता है। लॉन्ग फेज होता है। इसके बाद ये तो चलता रहता है, लेकिन आप साथ ही साथ अगला काम क्या करते हैं? प्रेपरेशन। प्रेपरेशन ऑफ व्हाट? प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट वन, खुदा नखास्ता। और इस प्रेपरेशन के दौरान आप क्या कर रहे होते हैं? आप पीडीसीए साइकिल को फॉलो कर रहे होते हैं। प्लान, डू, चेक, एक्ट। आप जिंदगी में भी यही करते हैं। आपने प्लान किया कि मैंने सीएसएस करना है, उसके लिए मुझे फलां एकेडमी में जाना है, टाइम वेस्ट ना हो, मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, इतने फंड्स मुझे चाहिए, वो सारा कुछ मैनेज करके। नाउ यू आर इन द फेज ऑफ डू। अभी आप कर रहे हैं, पैसे दे के क्लासेस ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इसके बाद आप चेक फेज में भी हैं, एट द सेम टाइम ऑडिट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं मेरी कहाँ कहाँ पे खामियां रह रही हैं, लूप होल्स मेरे किधर किधर हैं। आप इसको साथ साथ अपनी खामियों को, कमियों को, जिस तरफ से भी आए, चाहे वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आए या आपकी तरफ से आए, उनको, उनके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेंगे, उनको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, खुद से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे और फिर से एक्ट करें। ये जिंदगी की हर स्टेज में होता है। प्रेपरेशन में भी आप यही करेंगे। आप देखेंगे प्लानिंग में कहाँ गलती रही, कौन सी चीजें हमारे पास कम थी, क्या हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थी, तैराक नहीं थे, कश्तियां नहीं थी, दवाइयां नहीं थी। ठीक है जी। मिटिगेशन में लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स की जाती है।
आप पहले दिन लोगों को बचा के तो चुप करके बैठ जाएं और उनको टेंट ना दें वहां रहने के लिए, सर्दी हो शदीद तो लोग मरेंगे नहीं, घर उनके गिर गए हों। ए फॉर एक्ट, एक्ट ACT, मुस्तफा इज इट ओके? सो प्रेपरेशन के अंदर आप देखते हैं कौन से फंड्स की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, फोरकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, हमारे पास प्रॉपर फोरकास्टिंग नहीं थी, कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम आई आपको, लैंडलाइन कम्युनिकेशन नहीं थी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये मोबाइल्स नहीं चले, ठीक है जी, आपको वायरलेस की जरूरत पड़ी वो थी नहीं, ठीक है जी, फूड कम था, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर नहीं हुई, आपको पता ही नहीं था जितनी तैयारी थी उसे कई बड़े गुना पे काम हो। इसके अंदर फिर वो तमाम पैरामीटर्स, यानी ये पूरा ऑडिट का फेज है और नेक्स्ट की तैयारी की जाती है फिजिबिलिटी को सामने रखते हुए कि किस तरह से खुदा न खास्ता अगर दोबारा होता है तो हमने उसके लिए तैयार कैसे रहना है। लाहौर में ठीक है जी आप स्मॉग की तैयारी करेंगे, कराची में हीट वेव की तैयारी करेंगे, अर्बन फ्लड की तैयारी करेंगे, ठीक है जी, इसी तरह आप हिली एरियाज के अंदर अर्थक्वेक की तैयारी करेंगे, कोस्टल एरियाज के अंदर साइक्लोन की तैयारी करेंगे, ठीक हो गया, तो बाकी शहरों में और बाकी जगहों पे अगर कोई डिजीज आई हुई है उसकी तैयारी हर जगह पे होगी, ठीक है। सो डिपेंड्स कौन सी चीज किधर हो सकती, उस लिहाज से उन एरियाज में फोकस करके तो उस लिहाज से उस डिजास्टर के अगेंस्ट प्रिपरेशन की जाती है। इस सारे काम को पहले कोई भी नहीं देखता था पाकिस्तान में। मैं एक मिनट जरा बैठ से हूं, मैं शदीद थक गया हुआ हूं, तो आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करनी। डिजास्टर मैनेजमेंट की हिस्ट्री पाकिस्तान में बहुत पथेटिक है, आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान में फ्लड्स आते थे, यानी बांग्लादेश हर साल जो है वो फ्लड होता नहीं। एक्ट आगा फरहान अली कजलबाश एक्ट डू से कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है जी, सेम चीजें ही है, नाम का ही फर्क है। बेसिकली आप पहले जो काम कर रहे थे उसमें जब आपने चेकिंग की तो फिर से दोबारा आप डू ही कर रहे हैं, बेसिकली कोई ऐसा चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का ही फर्क है, ठीक हो गया, उसमें कोई डांस करके एक्ट थोड़े करना होता है, सेम। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान बनने से पहले 1935 में अर्थक्वेक आया, चमन फॉल्ट मैंने आपको बताया क्वेटा वाला, 50,000 लोग मरे उस वक्त 1935, कुछ भी नहीं किया गया, गोरे थे तब, कुछ नहीं हुआ। एनुअल फ्लडिंग होती थी बांग्लादेश में, पाकिस्तान बनने के बाद तक चलती रही, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस का सामना था, हम ड्रॉट की तरफ बढ़े, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है जी। कोई अथॉरिटी पाकिस्तान में फ्लड आते थे, 92 का फ्लड बहुत बड़ा फ्लड था, 2005 के अर्थक्वेक तक सूरत हाल जो है वो यूं समझे कैसे ही चल रही थी। असेंबलीज में बहस होती थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, वो 5-10 दिन गुजरे वो बात पुरानी हुई खत्म, ठीक है। 2005 वाला जो अर्थक्वेक था मुशर्रफ इरान में वो बहुत डेंजरस था, 8 अक्टूबर 2005, और उसके बाद फिर काफी हलचल, बिल अप्रूव हुए, पैसे मुख्तस हुए, अथॉरिटी बनाई गई NDMA, ठीक हो गया जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके नीचे विंग्स बनाए गए प्रोविंसेस में और डिस्ट्रिक्ट्स में।
पीडीएमए प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको यूनियन काउंसिल लेवल तक वो आगे इसकी वर्किंग लेके जाना चाहे। ये एक अलग बात है कि उसके ऊपर इतराजात क्या है, वहां पे करप्शन होती है नहीं होती, उसमें पैसा खाया जाता है नहीं खाया जाता, लेकिन इसमें काम शुरू हुआ 2005 के बाद। और जब काम शुरू हुआ तो आजकल आपको हीट वेव के मैसेजेस आते हैं, वेदर फोरकास्ट आती है, बारिशों का पहले बता दिया जाता है। कोरोना के दिनों में अपार्ट फ्रॉम के जो भी करप्शन के एलिगेशंस आए, लेकिन वेंटिलेटर्स का बनाना, उसकी सेल्फ वो सारा स्टार्ट करना, ठीक है जी, वो भी हुआ, वो अंडर दिस बैनर हुआ, ठीक है जी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कर रही थी हीट वेव्स के अगेंस्ट, कराची वालों को इंटीमेट करना, तैयारी करना, पहले से बताना कि ये हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन है, फायदा है, ठीक है जी। उसके बाद डेंगी के अंदर एक रोल प्ले किया इन्होंने, डेंगी को हमने डिजास्टर्स डिफरेंट आए पाकिस्तान की, अभी जो डिजास्टर्स को मैनेज करने की अल्लाह की तरफ से भी काफी हेल्प है, और हमारा कुछ ढीट इम्यून सिस्टम भी इसमें काफी हेल्पफुल, ठीक है जी। तो यूं समझें कि डेंगी अच्छे तरीके से मैनेज हुआ, कोरोना जैसे तैसे भी मैनेज हुआ या नहीं हुआ सवाल है, पीटीआई वाले गुस्सा ना कीजिएगा, लेकिन गुडविल आपकी बन गई ओवरऑल पूरी दुनिया में, मैनेज हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, हीट वेव कराची में आई, मैनेज हुई उसके बाद। सो काम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं है। सो बिल्कुल जो क्लीन चिट देना है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बिल्कुल एतराज करी जाना ये भी ठीक नहीं है, काम है। लेकिन एट द सेम टाइम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो करप्शन का चैलेंज है, इस दफा बहुत बड़े बड़े एलिगेशन आए कि जनाब एक कोरोना पेशेंट के ऊपर इतने पैसे कैसे लग सकते हैं, ये भी बातें सुनने को आई कि ये पैसा बनाया जा रहा है। डेंगी में भी सुना पैसा बनाया गया मुख्तलिफ जगहों पर जनाब भारत, और ये भी एतराज आता है कि प्रेपरेशन उस लेवल की नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। फंड्स का इशू है, फंड्स कम है, स्किल्ड लेबर का मसला, ये बहस है, इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है जी। चैलेंजेस टू डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि डिजास्टर्स आ रहे हैं इसलिए इसकी हिस्ट्री पूछ सकता है, इसके चैलेंजेस पूछ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल पूछ सकता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, फंड्स का मसला, करप्शन का मसला, स्किल्ड लेबर का मसला, प्रॉपर रिस्क असेसर्स नहीं है आपके पास, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती पाकिस्तान में, बहुत फ्लॉज होते हैं उसके अंदर, जो हमारी रिस्क असेसमेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक साबित नहीं होती। अच्छा, कभी बहुत एग्जैजरेट कर दिया जाता है, कभी नीचे होती है बहुत ज्यादा, रिस्क असेसमेंट जो है उसके एक्सपर्ट्स नहीं है। पोलिटिकल इंटरफेरेंस है, हमने बंद तोड़ना है चुनाव का लेफ्ट वाला तो राइट वाला तोड़वा दिया जाता, 18,000 झंग में ये हो चुका है लड़ के दौरान, और तोड़वाया इसलिए जाता है कि दूसरी तरफ किसी बड़े पॉलिटिशियन की जमीन होती, ठीक हो गया। अच्छा, सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कॉम्पिटेंस के मसले हैं, टेक्निकल कॉम्पिटेंस का बड़ा मसला है, मसलन इंजीनियर्स जो हैं उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम्स देखने में आए डिजाइन के अंदर। सो ये चैलेंजेस हैं, अगर ये दूर हो जाएं, फंड्स दिए जाएं, बाहर से कोई अच्छे रिस्क असेसमेंट के लोग या हमारी यूनिवर्सिटीज में अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया जाए, तो ये पाकिस्तान इन्वायरमेंटली काफी एक यूं समझें कि डेंजर जोन के अंदर लाए करता है, अर्थक्वेक्स के हवाले से, हीट वेव के हवाले से, साइक्लोन के हवाले से, ठीक है जी, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। अल्लाह आपका भला करे। तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके चैलेंजेस, अच्छा बाजुकात एक और भी मसला आता है, मसलन हमें जिस कदर इक्विपमेंट चाहिए होता है, यानी फंड्स के अलावा
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो गैजेट्स हैं वो नहीं पूरे होते। मसलन हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जब भी कहीं डिजास्टर आता है, एरियल एम्बुलेंसेज रिक्वायर्ड होती हैं, एरियल सप्लाई ऑफ फूड आपको मेंटेन करनी पड़ती है, वाइल्ड फायर की सूरत में हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पानी फेंकना पड़ता है। सो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है वो हमारे पास नहीं। इज देयर नो डिजास्टर मैनेजमेंट विंग इन सिंध? क्यों नहीं है? है भाई, अब उनका काम नहीं है वो एक अलहदा बात है, मैं नहीं उस पर कुछ कह सकता। ये अथॉरिटी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा जी, एक चीज और नोट करें, जब भी किसी जगह पे कोई डिजास्टर आता है, सपोज कोई अर्थक्वेक आया, कोई वोल्केनिज्म हुआ, वाइल्ड फायर हुई है, साइक्लोन आया, टॉर्नेडो आया, फ्लड आया, ड्रॉट आया, तो एक चीज और जहन में रखिएगा इससे पहले कि मैं इनको स्टार्ट करूं। एक होता है कंट्रोल मेजर्स, यानी कि आपने इन चीजों को रिजवान एनडीएमए मिलिट्री इंस्टीट्यूट जी फिलहाल तो बना हुआ है। Why civilian government does not have equipment? Why only army have that? बच्चे no comments. आपको भी पता ही है। दोनों तरफ से problems हैं। एक wing ये चाहता है कि ये develop ना हो, और दूसरा wing भी यही चाहता है कि हम develop ना हो। हम develop होना जब भी शुरू करते हैं, कोई एक विंग जैसे ही डेवलप होना शुरू करता है दूसरी तरफ से हथौड़ा लग जाता है। वो चाहते हैं कि हम डेवलप ही ना हो ताकि हथौड़ा ही ना लगे, जैसे कैसे बेवकूफ चाहिए बस वैसे चलते हैं। तो इसकी बहस और तरफ निकल जाएगी, बस इतना समझा देता हूं आपको कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी या इदारों का चलते रहना, इसके अंदर ही आप इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं। कोई इनके अंदर किसी किस्म के इन्वेंशन अपना इनकलाब नहीं आते होते, और इनकलाब मोस्टली कौमों को हजम भी नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूँ। एवोल्यूशन के प्रोसेस से आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर होता। आ गया हुआ इनकलाब, आप आज़ाद हो चुके हैं, अब आपने अपनी हरकतें ठीक करनी बस, ठीक है। अब उसके लिए एक पूरी आपको तरबियत की जरूरत है, आपके इंस्टीट्यूशंस को रोल प्ले करना पड़ेगा, आर्मी को उसके नाखून लेने पड़ेंगे, खौफ की फिजा खत्म करें, लोगों को थोड़ा आजादी दें, इंटरफेरेंस कम करें, माहौल ठीक होना शुरू हो जाएगा, और लोगों को एजुकेट करें थ्रू मीडिया, उनको सेंस दें कि उनके हाथ में है सारी डोर, वो हर 4 साल बाद 5 साल बाद इनका एहतसाब कर सकते हैं। वापस आई, अगर इन डिजास्टर्स को आपने कंट्रोल करना है, यानी इनके अगेंस्ट आपने कंट्रोल मेजर्स के आप कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करके इनसे इनके नुकसानात से बच सकते हैं, उसकी एक हायरार्की होती है, ठीक है जी। कंट्रोल मेजर्स में पहला काम आप ये सोचते हैं कि इलिमिनेट किया जाए, इलिमिनेशन, हैजर्ड को एलिमिनेट कर दिया जाए, डिजास्टर को एलिमिनेट कर दिया जाए। अगर वो हैजर्ड या डिजास्टर एलिमिनेट ना किया जा सके, डॉट, आप अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते, फ्लड को खत्म नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं, अर्थक्वेक यानी आप ज्यादा बारिशें होने से नहीं रोक सकते, रिवर्स के ओवर फ्लो को नहीं रोक सकते, ठीक है जी। अच्छा, आगे कंट्रोल्स आएंगे उसमें आपको समझ आएगी।
अच्छा सी लेवल राइज है उसकी वजह से फ्लडिंग है, आप नहीं रोक सकते। बहरहाल एलिमिनेट नहीं आप इसको कर पा रहे, अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि सब्स्टिट्यूट करें, लेस डेंजरस लेस टॉक्सिक से रिप्लेस करें। ठीक हो गया। अगर कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, जैसे आपने पढ़ना है पेस्टिसाइड्स होती हैं, डेंजरस होती हैं, हैजर्डस होती हैं, पेस्टिसाइड्स पॉइजन्स हैं, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको अब आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उनको खत्म कर देंगे तो आप अपनी फसल से वो यील्ड नहीं ले सकते। तो सब्स्टिट्यूट है, यानी आप उसको बायो पेस्टिसाइड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेस टॉक्सिक से रिप्लेस कर, लेकिन ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। अब ये नहीं कह सकते अर्थक्वेक को मैं किसी माइल्ड अर्थक्वेक से रिप्लेस कर, ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है तो फिर आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब आपने अपने दरिया बचाने हैं, पानी तो ज्यादा आएगा ही आएगा, तो डैम्स बनाना, ठीक है। उस सूरत में आप ज्यादा पानी या फ्लड वाला पानी आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसको स्टोर कर सकते, उसके नुकसान से बच सकते, अपने बंद पक्के करें, बैराजेस की कैपेसिटी बढ़ाएं। ठीक हो गया। अच्छा एक तो ये काम, नहरें निकाल लें, इंजीनियरिंग अप्लाई करें। अच्छा जी, अगर कहीं पे इंजीनियरिंग भी काम ना करे, मसलन आपकी कोई दवाई कोई चीज कोरोना पे काम नहीं कर रही थी, तो फिर आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करते हैं, आप एसओपीज बनाते हैं, आप लॉज बनाते हैं, ठीक है जी, लेजिस्लेशन करते हैं। कोई बंदा मास्क के बगैर नहीं निकलेगा। आपको पता है कि अर्थक्वेक के जोन में लोगों ने घर बनाए हुए हैं, तो आप ये लेजिस्लेशन करेंगे कि बेसमेंट जो है वो इस तरह की होगी, घर में जो सरिया इस्तेमाल होगा वो इस तरह का होगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होगी। यानी ये जो बायलॉज बन रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ एलडीए सीडीए, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे कोरोना के दिनों में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, इतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई गैदरिंग नहीं होगी, मास्क पहनना जरूरी होगा, हैंड सैनिटाइजर यूज करें, तमाम ऑफिस बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, ये सारा क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। उसके बाद जब ये सारा कुछ फेल हो जाता है तो एक चीज रह जाती है, उसको आप बोलते हैं कि अपने आप को सेफ करो, पर्सनल सेफ्टी, दैट इज कॉल्ड पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये मास्क वगैरह जो है ये पीपीई में ही आता है। यानी आपने एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ये एसओपी बनाया कि पीपीई पहने, ग्लव्स पहने, मास्क पहन के निकले, मास्क हेलमेट ग्लव्स एप्रॉन्स शूज गॉगल्स, ये सारा कुछ क्या है, सेफ्टी है, आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी, स्कूबा, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस। आपने एक वो सिलेंडर कैरी किया होता है और मास्क लगाया होता है और उससे आप सांस ले रहे होते, और इसके बाद आसान कह रहा है सर, इसके बाद दुआ रह जाती जी, इसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह दुआ करें अगर फिर भी काम नहीं बन रहा। ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में अप्लाई होने वाली अप्रोचेस है, आपने भी यही अप्लाई करनी, और ये जिंदगी में भी आप ऐसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। इनका आपकी एवरीडे साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वैसे आपको, इवन आप अगर किसी चीज की आउटलाइन बना रहे हैं तो उसमें भी आप ये थिंकिंग के पैरामीटर्स रख सकते हैं, ऐसे की आउटलाइन है किसी, आप इन लाइंस पे सोच के अपनी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मोहम्मद अहमद कह रहा है कफन परचेज करना रह गया फिर इसके बाद, हाँ कफन परचेज करके रखें, ये भी एक लॉ होना चाहिए कि सारे अपना अपना कफन रखें, गवर्नमेंट नहीं दे सकती, कब्र अपनी अपनी खुदवा के रखें, ठीक है जी।
और जन्नत के टिकट अपने अपने मौलवी से ले लें जाके, डेथ इंश्योरेंस, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो सियानी बात है। ठीक है, तो अपने अपने फिरके के मुताबिक अपनी अपनी जन्नत के जाके सर्टिफिकेट ले आए, क्योंकि बाकी सबने तो दूसरों के पास जाएंगे, वो तो आपको जन्नत में भेजेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप अपने फिका के जो मौलवी साहब हैं उनसे जाके आप अपनी जो है वो जन्नत की पर्ची वसूल कर लें, टाइमो टाइम थोड़े पैसे लगेंगे, मिल जाएगी। ठीक है जी, तो वो लेके तो आप आ जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और फिर मौलाना से कहें कि दुआ करें हम जल्दी जन्नत में जाएं। ये दुआ नहीं करवाएगा कोई भी, फॉलो कुरान एंड सुन्ना सब यही कहते हैं, मनवाते अपनी है, फिर इस पे धौंस जमाते कि हम जो कह रहे हैं वही कुरान है, हम जो कह रहे हैं वही सुनना है, तुमने जो इंटरप्रिटेशन की है ये कुरान नहीं है, ये सुनना नहीं, लड़ो मरो सारे आपस में, यही हो रहा है माजरत से। कॉफिन तो ले लिया है, टिकट बाकी है, गो 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 टेक योर टिकट, बाद में कम पड़ जाती है। दुरुस्त है बच्चे, आप जो बातें कर रहे हैं जिना वो अच्छी बातें हैं, हल यही है। मैं कोई ये नहीं कि आपकी बात के ऊपर कोई टॉन्ट कह रहा हूँ, टॉन्ट तो मैं उनको कह रहा हूँ जो ये हरकतें करते हैं। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, खुद से पढ़ें और लोगों के बारे में अच्छा सोचें, ये मत सोचें जो ये सोचता है ना मैं नहीं जन्नत में जाना, बाकियों नहीं जाना, उसको दिमागी इलाज की जरूरत है, वो तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जो ये सोचता ना कि या अल्लाह ये सारे चले जाए, चलो इसी बहाने मेरी भी बात बन जाए, खैर हो जाएगी, ठीक हो गया। बाकी वैसे ही काफी है। अच्छा जी, अब आ जाए वापस, ये है बेस जो आपकी तकरीबन डेवलप हो चुकी है, अब वन बाय वन जो डिफरेंट डिजास्टर्स हैं उनके ऊपर बहस करें। अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ ग्राउंड को आप अर्थक्वेक बोलते, ग्राउंड शेक करती है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अगर आप एनाटॉमी देखें अर्थक्वेक की, तो जिस जगह से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उसको आप बोलते हैं फोकस, और उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर जो एरिया है उसको कहते हैं एपिसेंटर। फोकस के ऊपर जो एरिया आता है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। अच्छा जी, इसके बाद जितना फोकस डीप होगा उतना अर्थक्वेक का इंपैक्ट, उससे जो निकलने वाली सिज्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देंगी, और जितना फोकस कम गहरा होगा, शैलो होगा, ठीक है जी, उतना ज्यादा डेंजरस होगा। एक बात ये ध्यान में रखिए, अब अर्थक्वेक से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं उनको कहते हैं सिस्मिक वेव्स। दो तरह की होती हैं, मेनली सरफेस वेव्स एंड बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स वही हैं जो सिर्फ क्रस्ट में रहती हैं, मांटल और कोर में नहीं जाती, सरफेस ऑफ अर्थ पे रहती हैं। ये भी आगे दो तरह की हैं, लव वेव एंड रेले वेव, RELEGH। रेले वेव्स, ये दो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे। बॉडी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ये पूरी बॉडी ऑफ अर्थ से गुजरती है, एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, अच्छा इसके अलावा जो चीज अर्थक्वेक को मेजर करती है इसकी मैग्नीट्यूड को, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ।
तमाम कैपिटल सिटीज में पड़ा हुआ है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची। ठीक है जी। सो कैन यू रिपीट व्हाट इज अंडरनीथ सरफेस वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स? अच्छा जी, सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक्स को मेजर करता है, और जो स्केल है जिसके ऊपर हम इसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, दैट इज रिक्टर स्केल। एक से लेके 10 तक जाती, ये 10 लेवल्स हैं। ये मैग्नीट्यूड है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये एनर्जी के लेवल्स हैं। एक लेवल पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है, अगला लेवल उसका 10 गुना होता है। 10 टाइम्स अगर उसको करेंगे तो लेवल 2 अचीव होगा, इसका 10 टाइम्स करेंगे तो 3 अचीव होगा, उसका 10 टाइम्स 4। 1 से लेके 5 तक आपके पास जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो माइल्ड होते हैं। 6 और 7 सबसे ज्यादा आते हैं, यानी कि 5, 6 और 7 सबसे ज्यादा ही आते हैं, लेकिन 6 पे आपका इशू जो है वो क्रिएट होना शुरू। वैसे तो 5+ अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। 6, 7 डेंजरस है, 8, 9, 10 तो ये तो पीक है, अगर ये कभी खुदा ना खास्ता आपको हिट करे। अच्छा, 2005 वाला जो आपका अर्थक्वेक था, 8 अक्टूबर वाला, वो उसका फोकस था, एपिसेंटर था गड़ी दुपट्टा, गड़ी दुपट्टा। ये गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट बाग, आजाद कश्मीर। और इसका रिक्टर स्केल पे लेवल था 7.6। पिछले साल या उससे पिछले साल चित्राल में आया है और उसका लेवल था 8.2। आपको पता भी नहीं होगा। 7.6 वाले ने तबाही मचा दी, 8.2 वाले का आपको पता भी नहीं। ये फैक्टर है, 7.6 वाला शैलो था, 8.2 वाला डीप था। एक बात, दुनिया में सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक्स आते हैं अर्थक्वेक्स के जो बेल्ट्स हैं, एक तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, यानी पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग। दूसरा बेल्ट है टर्की, टर्की से आगे ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी हिमालयन रीजन सारा बांग्लादेश तक। दूसरी बेल्ट ये है, यहां पे अर्थक्वेक्स बहुत सवेर आते हैं, यहां पे तादाद ज्यादा है। तीसरी है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी की सराउंडिंग में अर्थक्वेक ज्यादा आता है। इसके अलावा बड़े अर्थक्वेक्स जो है वो चमन फॉल्ट और सैन एंड्रियास जरूर है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं, कभी कभार, लेकिन अच्छे खासे, ठीक हो गया। लेकिन मेजर जो बेल्ट्स हैं जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं वो ये वाले हैं। अच्छा, अर्थक्वेक के कॉजेज क्या क्या होते हैं, ये एनाटॉमी और उनकी दुनिया में वो कहां कहां होते हैं, ये चीज कंप्लीट हो गई। अब है कॉजेज क्या क्या है। पहला कॉज है प्लेट टेक्टोनिक्स,
ठीक हो गया जी। प्लेट टेक्टोनिक्स जहां पे होगी वहां पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आएंगे, यानी सीवियर अर्थक्वेक्स किधर आएंगे? कन्वर्जेंट मार्जिन्स के ऊपर। प्लस ट्रांसफॉर्म मार्जिन के ऊपर। और सीवियर के बाद जो माइल्ड या लो लेवल माइल्ड अर्थक्वेक्स जो हैं वो डाइवर्जेंट मार्जिन के ऊपर आते हैं। जी ओके हो गया। प्लेट टेक्टोनिक्स के अलावा दूसरी रीजन है वोल्केनिज्म। ऑल्दो वोल्केनिज्म की रीजन भी यही है, लेकिन जब भी वोल्केनिज्म होता है ठीक है तो उस वक्त लोकल अर्थक्वेक आता है, रीजनल नहीं। प्लेट टेक्टोनिक्स से जो अर्थक्वेक आएगा वो रीजनल होगा। काबुल से शुरू हुआ, हिंदू कुश से गुजरता हुआ पूरी माउंटेन रेंज से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तक पहुंचता है, बांग्लादेश तक जाता है। रीजनल अर्थक्वेक होता है जब प्लेट मूवमेंट होता है। जब वोल्केनिज्म होता है लोकल होता है, 15 से 20 किलोमीटर तक सिर्फ रेडियस में पता होता है, छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं, लोकल अर्थक्वेक्स आते हैं। तीसरी रीजन हो सकती है कोई मीटियोराइट आके हिट करे, कोई बहुत बड़ी चट्टान आसमानों से आके गिरे। कैन वी से कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्म मार्जिन हैव लेस फोकस? लेस फोकस, लेस फोकस नहीं होता बेटा, शैलो फोकस होता है। ये कहना मुनासिब नहीं उसामा बाबा, ये कहना मुनासिब नहीं। जहां पे दो गाड़ियां आपस में टक्कर खा रही हो वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आएगा, डीप भी हो सकता है। जी बिल्कुल दोस्त। या दो आपस में स्लाइड कर रही हो वहां पे ज्यादा का, या उस जगह पे जहां पे एक दूसरे से दूर जा रही, सिंपल है ठीक है जी। मीटियोराइट अगर आके कोई हिट करे ग्राउंड को, उससे अर्थक्वेक जनरेट होता है। अगर कोई ब्लास्ट आप करें, यानी एंथ्रोपोजेनिक रीजन, मैन मेड रीजन, उसमें क्या हो सकता है? कोई ब्लास्ट हो सकता है। प्लस हाप टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स ने शुरू की हुई थी, हाप प्रोग्राम था HARP, और ये आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स जनरेट करवाते थे रीजनल लेवल पे रेजोनेंस को इस्तेमाल करके। 7.6 लेवल तक का अर्थक्वेक इन्होंने जनरेट करवाया, यानी मैनमेड रीजंस हो सकती है। जब आप पेट्रोलियम की कंपनीज जो होती हैं, ऑयल एंड गैस की कंपनीज, जब उन्होंने सर्च करना होता ऑयल एंड गैस, तो ये उन एरियाज में जाकर आर्टिफिशियल हैमरिंग कर सकते। जी बिल्कुल शहरयार इमरान, यू आर राइट, ये अब डिसफंक्शनल है। उनका कहना ये है डिसफंक्शनल है, लेकिन अंडरकवर शायद चल रहा हो, यकीन नहीं किया जा सकता। इतनी जल्दी वो अपना इतना बड़ा हथियार क्यों छोड़े? इवन 2004 वाला जो सुमात्रा का सुनामी था उसके पीछे भी यही था कि ये हाफ की वजह से, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हमारे पास है ना हार्प का वर्जन, सुल्तान रही शान, ठीक हो गया। तो पंजाबी फिल्में देखें आप या पश्तो फिल्में देखें आप, हार्प को भूल जाएंगे। अब खुश हो एडे तुसी साइंटिस्ट? दोनों की हो सकती है अहमद शाह बच्चे, क्यों नहीं हो सकती? न्यूक्लियर की भी हो सकती है, मैनमेड है उसकी भी हो सकती है।
नेचुरल की भी और मैनमेड की, दोनों की हो सकती है रिस्क असेसमेंट, कोई जरूरी नहीं है। ओके हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं परकुलेशन ऑफ वाटर। पानी जब फॉल्ट लाइंस के अंदर एंटर होता है तो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, वही दरारें जो आपस में फंसी हुई होती हैं जब पानी आता है तो स्लिपेज होती है। सो समटाइम्स हम सब सरफेस में पानी को पंप करके खुद से भी छोटे छोटे अर्थक्वेक्स जनरेट करवाते हैं ताकि वो जो बड़ा एक अर्थक्वेक जनरेट होना था उससे बचा जा सके। वही कहते हैं ना कि जितने आफ्टर शॉक्स ज्यादा हों अर्थक्वेक आने के बाद, जितने छोटे छोटे झटके बाद में ज्यादा लगे, इसका मतलब है कि दरारें उतनी ज्यादा सेटल हो रही हैं। सो नेक्स्ट अर्थक्वेक आने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह से आप खुद से छोटे छोटे अर्थक्वेक्स करो, इसको वाटर थेरेपी बोलते हैं, हमारे यहां तो नहीं इस्तेमाल की जाती लेकिन ये एक अर्थक्वेक ट्रिगर करवाने के लिए काम भी किया जाता है। पानी को परकुलेट किया जाता है फॉल्ट लाइंस के अंदर। ये कॉजेज हैं जी। इंपैक्ट्स क्या है अगर अर्थक्वेक आएगा तो? चले लिस्ट बना लेते हैं। इफेक्ट्स क्या है? आपकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। घर गिर सकते हैं, पुल टूट सकते हैं, रोड्स टूट सकती है, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो सकती है, कम्युनिकेशन के इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। डेथ्स हो सकती है। वोल्केनिज्म ट्रिगर हो सकता है। एवलांच आ सकती है। फ्लडिंग हो सकती है जी, बिल्कुल ठीक है। फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। को डैम टूट सकता है, उससे फ्लडिंग हो सकती है। वाइल्ड फायर हो सकती है, पत्थर आपस में रगड़ खाएं, उससे बच्चे। जो आप ऊपर पूछ रहे हैं ना मोहम्मद अहमद, मैं ये अर्ज कर रहा हूं 2005 वाला अर्थ को एक था, 2004 वाला नहीं था। 2005 वाला अर्थ को एक इसलिए सीवियर था कि वो ज्यादा गहरा नहीं था, जहां से एनर्जी रिलीज हुई थी, जहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट हुई थी, कश्मीर फॉल्ट के अलोंग हुई थी, ठीक है जी। वो दरार, उसका नाम कश्मीर फॉल्ट है। तो मजीद आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि पाकिस्तान जब इंडियन प्लेट आके यूरेशियन से टकराई है, तो इसके टकराने के बाद ये जगह 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 से क्रैक हुई हुई, तो उन बड़ी बड़ी दरारों को हम फॉल्ट लाइन्स बोलते हैं या थ्रस्ट बोलते हैं। मेन क्रोक्रम थ्रस्ट, मेन मांटल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये बड़े बड़े थ्रस्ट हैं, बड़े बड़ी दरारें हैं पाकिस्तान। वैसे पूरा पाकिस्तान सिस्मिक जोन में लाई करता है, यानी सारा पाकिस्तान टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है, किसी भी जगह से अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को 13 डिफरेंट सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया।
अब उनमें से चार सीवियर सिस्मिक जोन्स हैं, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, लिख लो नॉर्थ, नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ सदर्न एरियाज, ये पाकिस्तान की यूं ब्रैकेट चलती है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न एरियाज, साउथ सदर्न एरियाज, ये सीवियर सिस्मिक जोन्स हैं। यहां पे जब भी अर्थक्वेक आएगा, बड़ा अर्थक्वेक आएगा। बाकी लाहौर से भी जनरेट हो चुका है, ननकाना साहब से भी जनरेट, ये स्टेबल एरियाज, यहां से भी अर्थक्वेक आ चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वाइल्ड फायर हो सकती है, इसके अलावा जब अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी हो सकती है। ओके हो गया। ये एक ऐसी चीज है जो बजाते खुद आगे देखो, ये उतने ही बड़े खुद से नेचुरल डिजास्टर्स ये उनको जनरेट करवा, ठीक हो गया। वोल्केनिज्म, एवलांच, सुनामी, वाइल्ड फायर, फ्लडिंग, ये सारे हमने पढ़ने हैं इसके बाद। सो अर्थ को एक कोई छोटी आइटम नहीं है। इससे पहले कि मैं कंट्रोल मेजर्स पे बात करूं, क्या अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? जी हसान, बताएं जी। तूतियां छोड़नी शुरू करें। सर आज ना पढ़ाइएगा प्लीज, दिमाग नॉन पोरस हो गया है। नॉट ऑफिशियली, तो अनऑफिशियली होता है वो, हो वो तो प्रिडिक्शन से मुराद है पहले प्रिडिक्ट करना, वो तो मेजर करता है। लो प्रिडिक्टेबिलिटी, ये लो प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? अर्थक्वेक, ये देखो यार, या तो बात का पता होता है या पता नहीं होता, ठीक है। बीच में होती तूतियां, तूतियां ना छोड़ो। सिस्मिक वेव के जरिए हम कर सकते हैं बट टाइम स्पैन लेस होता है। सिस्मिक वेव तो आती तब है जब अर्थ को एक हो चुका होता है। तो मैं कह रहा हूं कि होने से पहले प्रिडिक्शन होती है, क्या हो गया। सिस्मिक वेव्स को तो हम बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और उसकी सारी रीडिंग्स भी लेते हैं। प्लेट मूवमेंट ग्राफ और समथिंग, ग्रेविटेशनल वेव है, वी कांट, नो इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। कैन ओनली कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट अ सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक विल अकर इन सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। जी बिल्कुल ठीक है ज़ायदा फारूक सर, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। शुक्र है जी उस्मान साहब, ओनली प्रोबेबिलिटी। हाँ जी अब ठीक है। अर्थक्वेक दुनिया में सबसे ज्यादा जापान में आते हैं। जापानीज के लिए ये बहुत बड़ा मसला है और एडवांस टेक्नोलॉजी, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट दुनिया के मजबूत तरीन डिपार्टमेंट में से बड़े से, वो हर साल सुनामीज देखते हैं, साइक्लोन्स देखते हैं, यानी टाइफून कहते हैं वहां पे साइक्लोन को, अर्थक्वेक्स देखते हैं, ये उनका कॉमन है, ये चलता रहता है। हर हफ्ते जापान कांप रहा होता, ये रूटीन है वहां पर। वो इन चीजों को फेस करते हैं और सुनामीज के सूरत में आने वाला फ्लड जो होता है और उसके जो डैमेजेस होते हैं उनको वो कवर भी कर रहे होते हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू डिग इन टू द मांटल, पैसिफिक ओशन के अंदर वो मांटल तक ड्रिलिंग करके ये नोट डाउन करना चाहते हैं कि नीचे कौन कौन सी फोर्सेस हैं और वो किस तरह से एक्ट करती, ताकि वो ये देख सकें कि उन फोर्सेस की वजह से
अल्लाह आपका भला करे, जो मिनरल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन जो उसमें डेवलप होता है, बिगाड़ आता है, उसकी थ्रेशोल्ड बैयर करके कोई 5 मिनट 10 मिनट पहले ही बता सके कि अर्थक्वेक आने वाला है, थ्रेशोल्ड अचीव हो चुकी है, अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक बात जो आपको बातें कंफ्यूज करती हैं, ये चूहे बिल्लियां कुत्ते जो हैं वो पहले मूव करना शुरू कर देते हैं, वो अर्थक्वेक आने के बाद उसकी वेव्स को सुनते हैं, वो वेव्स हमारी ऑडिबल रेंज से उनकी साउंड बाहर होती है, हम नहीं सुन सकते, इसलिए वो रिएक्शन दे रहे होते हैं उसकी। उसके बाद वो आने के बाद का रिएक्शन है, पहले का नहीं। अर्थक्वेक अभी तक प्रिडिक्ट नहीं होते। हाँ ये जरूर बता दिया जाता है कि ये सिस्मिक जोन है और इस सिस्मिक जोन में जो है वो किसी भी वक्त अर्थक्वेक आ सकता है, किसी भी वक्त। ये नहीं कहा जाता अगले साल, दिल करे तो 100 साल का, ठीक है। लेकिन ये पता होता है कि चमन फॉल्ट जैसे आपको पता है एक्टिव है, कश्मीर सिवियर सिस्मिक जोन है, किसी भी वक्त कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। इस तरह से हम इसकी जो है वो लिमिटेशंस ड्रॉ करते हैं। अब अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जी, अर्थक्वेक को एलिमिनेट हम नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन इसकी नहीं है, इंजीनियरिंग अप्लाई हो सकती है काफी हद तक। मसलन आप अपनी बिल्डिंग ऐसी बनाएं कि वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ना बनाएं, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएं, मटेरियल ऐसा बनाएं वो गिर भी पड़े तो बंदा उसके नीचे आके मरे नहीं, यानी वुड इस्तेमाल करें, प्लास्टिक शीट से इस्तेमाल करें, पोर्टेबल होम्स, सिंगल फैमिली होम्स, छोटे घर बनाए, गैजेट्स उसके अंदर यानी वो चीजें कम रखें ताकि नुकसान कम हो। अच्छा, ये जब 2005 वाला अर्थक्वेक आया था तो यूएन ने डिफरेंट मॉडल्स दिए थे घरों, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, आप क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग कंट्रोल में आप अपने डैम्स, बिल्डिंग कोड्स, ये सारा कुछ जो है वो सरिया कैसा इस्तेमाल, जैसे जापानीज में शॉक एब्जॉर्बर्स स्टील ऐसा वो इस्तेमाल करते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे नहीं गिरती इतनी आसानी से, ठीक हो गया। अच्छा, सो बेस्ट यूज ऑफ इंजीनियरिंग हो सकता है एक हल, पहला हल। और फिर दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसमें लॉज बनाए जा सकते हैं कि भाई हम इन एरियाज में आपको घर ही नहीं बनाने देंगे, ड्वेलिंग्स या घर बनाने की इजाजत ना दी जाए, ठीक है जी, और लोगों को वहां से रोका जाए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप प्रेपरेशन करते हैं, प्रेपरेशन में आप क्या करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर अर्थक्वेक हो जाए तो आप उसके लॉसेस को कैसे रिड्यूस करना, आपकी तैयारी होनी चाहिए हिली एरियाज के अंदर, सीवियर सिस्मिक जोन्स के अंदर अर्थक्वेक की तैयारी होनी चाहिए, आपके पास ऐसे मशीनरी मौजूद होनी चाहिए अगर घर गिरे तो इमीजिएटली आप मलबे के नीचे से लोगों को निकाल सके, इमीजिएट रिस्पॉन्स देने के लिए एरियल सप्लाई मौजूद होनी चाहिए, अगर रोड्स टूट गए हैं, ब्रिज टूट गए हैं तो आप वहां पर जा सकते, लोगों को एरियली लिफ्ट कर सकें, एरियली फूड दे सकें, उनके पास आप हेलीकॉप्टर्स के थ्रू मेडिसिन भिजवा सकें, टेंट फेंक सकें, पानी खाना पीना भेज सकें ताकि वो सरवाइव कर सके। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रोल आता है इसमें, लोगों को गाइड कर सकें कि भाई अब आफ्टर शॉक्स आएंगे, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना। जब आप रिकवरी फेज में होते हैं उस वक्त यकीन करें कि मेंटल रिकवरी भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लोग घबराए होते हैं, कुछ प्यारे उनके दुनिया से जा चुके होते हैं, घर गिर चुके होते हैं डिफरेंट डिजास्टर्स की सूरत, तो उनकी जो मोटिवेशनल यूं समझें कि सेशंस होते हैं वो लिए जाते हैं बाय द साइकोलॉजिस्ट, और उनको रिहैबिलिटेट करना मेंटली ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उसकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। क्या कॉम्प्लेक्स? ओके हो गया जी, बेहतरीन हल ये है कि इंजीनियरिंग अप्लाई करो और
इन एरियाज को अवॉइड करें। इनफ फॉर द डे, मेरी तरफ से ओके है। आपका कोई सवाल है पूछने, नहीं तो इजाजत दें। थैंक यू। जीते रहें, खुश रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते जी, सिंपली अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं। थैंक यू जासिर। ओके जी, अल्लाह।